अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप सभी को और एक वीडियो में स्वागत करते हैं। कुछ दिन पहले मैगदत कुछ भी नहीं खाते थे, हमेशा रोते थे, मतलब पानी तक भी वो नहीं ले रहे थे। तो हमने हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या करें, क्या हो गया। पहले तो सब कुछ ठीक था, अच्छे से खा लेते थे, फिर अचानक से क्या हो गया। तो उसके बाद हमने उसे समझने की कोशिश, बेबी ना खाने की कुछ कारण बताते हैं आप लोगों को। फर्स्ट जो है वो है टीथिंग। बेबी जब 6-7 मंथ का हो जाते हैं तो उसके नए नए करके टीथ आने लगते हैं, तो उसके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, तो वो कुछ दिन नहीं खाना चाहते, कुछ भी नहीं खाना चाहते। उसके बाद अगर आप बेबी को अच्छे से फीड करवाते हैं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पेट भरा रहते हैं, फिर भी हम उसे खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम वो कैसे खाएगा। उसे अच्छे से फीड करवाया है, उसका पेट भरा रहता है, तब वो नहीं खा पाते। और कभी कभी बेबी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होते हैं, अगर उसके पोटी जो है वो अच्छे से नहीं होते हैं तो तभी बेबी नहीं खाते। हमने जो कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को बताया है उन सारा प्रॉब्लम में एक भी प्रॉब्लम मैगदत को नहीं थे, तो फिर भी वो नहीं खाते थे। तो फिर हमने उसे समझने की कोशिश की कि उसे क्या हो सकते हैं। वो तब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी थे, तो तब हमने मैगदत को बार बार धो दिए थे उसे, लेकिन उसके हेयर नहीं वॉश किए, बस उसके शरीर हमने धो दिए थे। शायद वैसे ही उसे ठंड लग गए थे अंदर ही अंदर ही, उसकी फेवर या तो सर्दी थे, तो इसलिए उसकी मुंह की जो टेस्ट था वो बिल्कुल चले गए थे, वो पानी तक भी नहीं खा रहे थे। तो फिर उसको हमने दिया है कोलिप ड्रॉप्स। कोलिप ड्रॉप्स खाने के बाद से वह अब अच्छे से बहुत अच्छे से खाने लगे हैं। 1-2 दिन हमने उसे कोलिप ड्रॉप्स दिए हैं, उसके बाद वो बहुत अच्छे से अभी खा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते हैं खाते वक्त। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर बेबी को ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो उसे पोंछ दीजिए, मत धोइए उसे। तो हमने ये गलती कर दी थी, तो शायद शायद उसे फीवर या सर्दी थोड़ा सा हो गए थे, तो उसके मुंह के टेस्ट बिल्कुल चले गए थे। तो ये जो मेडिसिन है कोलिप ड्रॉप, इसे बहुत ही फ़ायदे हुए, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अगर बेबी कुछ भी नहीं खा रहा है, कभी कभी बेबी को देना चाहिए टेस्ट लाने के लिए मेडिसिन। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो के दौरान कुछ भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इस तरह की बेबी रिलेटेड और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।